संयम से स्वस्थ। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक अमीर व्यक्ति उनके दर्शन के लिए पहुंचा। बेडौल शरीर के कारण उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसने खड़े खड़े विनम्रता से कहा, भगवान, मेरा शरीर अनेक व्याधियों का अड्डा है। रात को नींद नहीं आती है और ना तो दिन में चैन से बैठ पाता हूँ। मुझे रोग मुक्ति का साधन बताने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रचुर भोजन करने से उत्पन्न आलस्य व निद्रा, भोग व अनंत इच्छाओं की कामना, शारीरिक श्रम का अभाव, ये सब रोग पनपने के कारण हैं। जीव पर नियंत्रण रखने, संयमपूर्ण सदा सात्विक भोजन करने, शारीरिक श्रम करने और अपनी इच्छाएं सीमित करने से ये रोग स्वतः विदा होने लगते हैं। असीमित इच्छाएं और अपेक्षाएं शरीर को घुन की तरह जर्जर बना डालती है। इसलिए सबसे पहले उन्हें त्यागो। सेठ ने उनके वचनों का पालन करने का संकल्प लिया और लौट गया। एक महीने में ही वह स्वस्थ हो गया। उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर कहा, शरीर का रोग तो दूर हो गया, अब चित्त का प्रबोधन कैसे हो? भगवान बुद्ध ने कहा, विचारों का संयम चित्त को शांति और संतोष देगा। सेठ बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने लगा और जल्दी ही उसे लाभ नजर आने लगा। धन्यवाद।